Now the function of the last paragraph, that is conclusion, is to summarize and bring together the thoughts expressed in previous paragraphs. अब आपने conclusion में क्या करना है, जो कुछ भी आपने previous paragraphs में आपने बताया था, आपने उन सब thoughts को आपने summarize कर देना है. Then draw some kind of conclusion. फिर आपने कोई conclusion जो है उसका, वो आपने उसमें add करना है, like आपका जो भी stance है, आपका जो भी arguments है, उसको आपने finalize जो आपने उसको कर देना है. Then leave the reader with some thoughts which she or he could should have if it is a composition of ideas or argument. फिर आपने क्या कर देना है कि आपने जो कुछ भी आपने लिखा है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आपने रीडर पे छोड़ देना है कि लाइक वो अब उसको किस तरह से लेता है. देन लीव द रीडर विद गुड इंप्रेशन आफ्टर हैविंग फिनिश्ड रिव्यूइंग ऑल द आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स. अब आपका उसका जो एंड है एक अच्छे इंप्रेशन के साथ होना चाहिए. आप इस तरह से जो है आपको जो रीडर है उसको जब पढ़े तो उसको उसके जो सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं जो उसने रिव्यू किया है उन सबको वो एक अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर रखे. इस तरह से आपने उसको कंक्लूड करना है. देन देर आर बेसिक पैटर्न्स इन एसे राइटिंग. सो देर आर मैनी वेज टू राइट एन एसे. हाउएवर द स्टैंडर्ड एसे फॉर्म फॉलोज द सेम बेसिक पैटर्न्स एज डिस्कस्ड बिलो. अब वैसे तो आप किसी भी तरह से जो एसेज हैं लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक पैटर्न्स हैं एसे राइटिंग में जिनको आप फॉलो करते हो तो आपका एक सीक्वेंस है जो है आपकी वो ऐसे लिखा जाता है. सो फर्स्टली यू विल हैव टू सेलेक्ट द टॉपिक ऑफ योर ऐसे. आपने क्या करना है, कोई भी टॉपिक जो आपने उसको ऐसे का आपने डिसाइड करना है. देन चूज द सेंट्रल आइडिया और थीसिस ऑफ योर ऐसे. फॉर एग्जाम्पल आप अगर जो भी आपका टॉपिक है उससे रेलिवेंट आपने कोई भी जो थीसिस है आपका जो सेंट्रल आइडिया आपने उसको ले लेना. यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर जो हमने इसका जो सेंट्रल आइडिया थीसिस आपने चूज़ किया वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी वर्क. आपने इसको और जो है थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया कि इसका जो सेंट्रल आइडिया या थीसिस है वो क्या है. देन आउटलाइन योर एसे इनटू इंट्रोडक्टरी बॉडी एंड समरी पैराग्राफ. अब आपके जो डिवीजन है आपके एसे की वो तीन पार्ट में होनी है, इंट्रोडक्शन में, देन बॉडी पैराग्राफ जिसमें एक तीन भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, और फिर इसकी जो है समरी उसी में करते हुए आप इसको कंक्लूड कर देंगे. द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बिगिंस विद एन इंटरेस्टिंग सेंटेंस. आपका जो इंट्रोडक्शन है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस से होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल होम वर्कर्स हैव ग्रोन फ्रॉम 150,000 टू ओवर 12 million इन द पास्ट 5 years थैंक्स टू द वंडर्स ऑफ द कंप्यूटर. अब आपने एक इंटरेस्टिंग से आपने फिगर्स आपने दे दिया जिससे कि अब एक जो रीडर है उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हाँ प्रीवियसली ये सब था तो अभी करंटली अभी क्या चल रहा है. Then there are a number of types of introductions. अब different types के introductions हैं हमारे पास. आप किसी भी तरह से आप इसको interesting बना सकती हैं, कोई भी आप इसमें जो है facts and figures ऐड कर सकते हैं interesting, कुछ quote ऐड कर सकते हैं किसी भी famous person के या आपके आप rhetorical question जैसे कि did you know that, like आपको interest develop करने के लिए reader का आप कुछ भी catchy सा या hook जिसे हम कहते हैं आप वो आप उसमें ऐड करेंगे अपने introduction में. After this first sentence, add your thesis statement from above. The thesis clearly outlines what you hope to express in the essay. अब आपका जो थीसिस है वो बेसिकली आपके स्टांस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप जो भी सर्टन आपका टॉपिक है सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपका स्टांस क्या है, आप उसकी फेवर में हो या कि उसके अगेंस्ट जो है आप आर्ग्यूमेंट करोगे. तो यहाँ पर जो आपका जो है फर्स्ट सेंटेंस आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो होना चाहिए. देन यूज़ वन सेंटेंस टू इंट्रोड्यूस एवरी बॉडी पैराग्राफ टू फॉलो दिस लिंकिंग टू आइडियाज़ यू विल डिवेल्प फर्दर इन योर बॉडी पैराग्राफ प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू योर एसे. अब आपने जो भी सेंटेंस आपने एक पैराग्राफ का स्टार्ट करना है उसी को लेकर आपने चलना है जो कि प्रीवियसली जो पैराग्राफ्स हैं उनको जो है वो लिंक करता जाएगा आपके मेन आइडिया के साथ. फिनिश द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ विद द शॉर्ट समरी और गोल स्टेटमेंट. अब आपने जब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को फिनिश करना है तो आपने जो भी आपने इसमें लिखा था पैराग्राफ में उसको आपने समराइज करते हुए आपने उसको एंड करना है. देन फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैज दस मेड द ट्रेडिशनल वर्क प्लेस ऑब्सोलीट. आपने उसी एक जो भी आपने उसकी एविडेंस आपने उसकी सपोर्ट जो आपने दी अपने मेन आइडिया को उसको आपने कंक्लूड करते हुए आपने उसको उसका जो भी आपने उसमें एविडेंस दी थी उसको आपने समराइज कर दिया. Then in each of the body paragraphs, usually 2 or 3 or sometimes ये 5 भी हो सकते हैं, the ideas first presented in the introductory paragraph are developed. अब आपने जो भी first जो introductory paragraph में आपने जो ideas दिए थे उसी को आपने further proceed करना है लेकिन different evidences या facts के साथ. Remember that referring to ideas first introduced in the initial paragraph provides structure to your essay. अब आपने जो भी ideas आपने first आपने introduce करवाए हैं initial paragraph में वो आपका structure provide करते हैं आपके essay के लिए.
Then develop your body paragraphs by giving detailed information example. अब आपने जो फर्दर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपने पैराग्राफ जो आपने कंटिन्यू करने हैं उनमें आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके टॉपिक जो आपने स्टांस लिया था टॉपिक से रेलिवेंट उसको सपोर्ट करते हुए, एविडेंसेस कह सकते हैं, फैक्ट्स कह सकते हैं. For example, when the internet was first introduced, it was used primarily by scientists. Now it is common in every classroom. तो ये जो आपका इसको फर्दर उसको जो है आपकी जो आपने अपना स्टांस लिया था उसी को जो है वो उसकी डिटेल जो है वो दे रहा होगा. देन बॉडी पैराग्राफ यू डिवेल्प द सेंट्रल आइडिया एंड फिनिश विद अ समरी ऑफ दैट आइडिया. जो बॉडी पैराग्राफ है उसे एक सेंट्रल आइडिया जो है उस एक डिवेल्प करना चाहिए, जो उसके साथ एक समरी जो है उस आइडिया की वो उस पर कंक्लूड करना चाहिए. देयर शुड बी एटलीस्ट टू एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स इन ईच बॉडी पैराग्राफ टू सपोर्ट द सेंट्रल आइडिया. अब जो भी आपका मेन आइडिया था जिसको कि आप सपोर्ट करते हुए आप अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसमें कम अज़ कम आपकी दो जो एग्जाम्पल्स हैं आपकी होनी चाहिए या दो फैक्ट्स हैं आपने उनको डिस्कस करना है ईच पैराग्राफ में. Then the summary paragraph summarizes your essay and is often the reverse of the introductory paragraph. अब summary paragraph क्या होता है, summarize करता है आपको आपके essay को, और ये आपके introduction के जो जो paragraph होता है उसका ये opposite होता है. So begin the summary paragraph by quickly restating the principal ideas of your body paragraph. अब आपने जब summary paragraph करना है तो आपने इसमें जो भी आपका ideas था principal ideas जो basic थे आपके उसको आपने restate करना है, उसको आपने दोबारा से बताना है. For example, the internet in the home benefits and ease of use of modern computer system. आपने उसको redefine आपने उसको करना है, आपने जो भी आपने पहले कहा आपने पहले आप redefine किया, फिर आपने उसको redefine करना है ताकि उसी को support करते हुए आपको पता हो कि आप उसी से interlink हैं, ताकि जो ऐसे की coherence है वो maintain रहे. Then the penultimate sentence should restate your basic thesis of the essay. अब जो second last आपका जो sentence है उससे आपके basic thesis essay को restate करना चाहिए. For example, we have now passed from the industrial revolution to the information revolution. जो भी आपने पहले कहा आप उसी को वो आप जो है restate करते हो अपने second last sentence में. Your final statement can be a future prediction based on what you have shown in the essay. आपकी जो final statement है वो आपके future को आप predict कर रही होगी जो कि आपका base कर रहा है आपके essay पे जो भी आपने उसमें stance लिया था. For example, the next step, the complete disappearance of the workplace. अब ये जो है आपका उसमें जो आपकी रिस्टेट कर रहे हो अपने जो भी फ्यूचर प्रेडिक्शन आप कर रहे हो उसको अपने टॉपिक को लेते हुए. लाइक ये आपके फाइनल कंक्लूजन है जो कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आपने जो भी कंप्यूटर का जो आपका टॉपिक था उसको लेकर के जो कंप्यूटर ने आपके जो ह्यूमन बीइंग है उसको रिप्लेस कर दिया हुआ, तो इन फ्यूचर ये हो सकता है कि जो वर्क प्लेस है वो ख़त्म ही हो जाए और सब काम घर में ही कंप्यूटर पर होने लगे. सो इस तरह से आप जो अपने टॉपिक को लेकर आप प्रोसीड कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में. आपको स्टेप्स जो हैं इसके फर्दर आपको बताया गया कि तीन स्टेप्स हैं, आपने इसमें पहले इंट्रोडक्शन देना है, देन आपके बॉडी पैराग्राफ्स होंगे जो कि 3 से 5 हो सकते हैं, फिर फाइनली आपका उसका कंक्लूजन होगा. आपने इन स्टेप्स को जो है प्रॉपरली जो है आपने इंटरलिंक रखते हुए आपने इसको लिखना है ताकि कोई भी बात इस तरह से ना हो कि आपके मेन आइडिया या मेन जो आपका थीम था आपका थीसिस स्टेटमेंट था उससे हटके ना हो जाए. लाइक अगर आप किसी टॉपिक में आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो सारे आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो उसके आर्ग्यूमेंट्स उसी आपको सपोर्ट करते हुए एविडेंसेज आप प्रोवाइड कर देंगे या फैक्ट्स आप प्रोवाइड करेंगे. लाइक आप उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं करेंगे जो आपने स्टांस लिया है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक फर्दर इन एन अदर लेक्चर दैट विल बी अबाउट द टाइप्स ऑफ एसे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.